नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बन रही बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। जी हाँ, ये फिल्म जल्दी सिनेमाघरों में आने वाली है और इस फिल्म में विवेक ओबरॉय अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप सिंह। और वहीं उमंग कुमार भी इस फिल्म में आपको दिख जाएंगे एक अहम किरदार निभाते हुए। वहीं आपकी बात की जाए इस फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म जब से आई है और जब से फिल्म की चर्चा शुरू हुई है तब से फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ, कभी फिल्म को लेकर कोई खबर सामने आती थी, कभी कोई फिल्म ने खूब सारी लाइमलाइट हासिल कर ली है। जी हाँ, जैसा कि फिल्म के बारे में बात हुई थी तो बीजेपी की विरोधी पार्टियों ने इस फिल्म का जमकर विरोध किया। तो वहीं फिल्म की जब पहली रिलीज डेट सामने आई, जी हाँ, इस फिल्म की जब पहली रिलीज डेट यानी कि 12 अप्रैल 2019 सामने आई थी तो इस बात को भी लेकर सियासत गर्म हुई थी। सियासत इस बात पर गर्म हुई क्योंकि 11 अप्रैल से लोकसभा के चुनाव होने थे और वहीं 12 अप्रैल को फिल्म आनी थी। तो बीजेपी के अगेंस्ट पार्टियां थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक फंडा है इलेक्शन में अपनी कैंपेनिंग करने का, अपना प्रचार करने का, इस कारण ये फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। वहीं कुछ समय बाद जब ये खबरें सामने आ रही थी तो करीब एक हफ्ते बाद एक खबर सामने आई कि फिल्म अब 12 अप्रैल को नहीं 5 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। जी, इस फिल्म के रिलीज डेट को एक हफ्ते पहले खिसका दिया गया और फिल्म के मेकर्स ने नए पोस्टर जारी कर फिल्म की जानकारी दी थी। फिर इस बात पर सियासत गर्म हुई और फिर इस बात पर चर्चा उठी, क्या मेकर्स ने डर के मारे इस फिल्म को एक हफ्ते पहले किया है या फिर मेकर्स ये नहीं चाहते कि इस फिल्म को लेकर कोई भी सियासत हो और वो आसानी से इस फिल्म को रिलीज़ कर सके। अब इस बारे में तो किसी ने खैर कोई बात नहीं कही, लेकिन हाँ, फिल्म के रिलीज डेट को आगे पीछे किया गया। लेकिन वही अब खबर सामने एक और आ रही है। जी हाँ, ये फिल्म किसी न किसी पचड़े में पड़ती हुई नजर आ रही है। अब एक खबर सामने ये आ रही है कि जावेद अख्तर ने इस फिल्म के ट्रेलर के एक सीन को स्क्रीनशॉट लेते हुए ट्वीट किया है। जी हाँ, इस स्क्रीनशॉट में जावेद अख्तर का नाम दिखाई दे रहा है और उनको इस फिल्म में क्रेडिट दिया गया है और इस बात को लेकर ट्वीट किया है। आप ये सोच रहे होंगे कि जावेद अख्तर ने इस फिल्म में काम किया होगा और उन्होंने शायद शुक्रिया अदा करने के लिए इस फिल्म के अपने नाम को लेकर ट्वीट किया है। जी नहीं, जावेद अख्तर ने इस बात को लेकर ट्वीट किया है कि उन्होंने इस फिल्म में कोई भी काम नहीं किया है और उनको किस बात का क्रेडिट दिया गया है। जी हाँ, जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं हैरान हूँ कि मेरे इस फिल्म में कोई भी काम ना करने पर, कुछ भी ना लिखने के बावजूद मुझे इस फिल्म में क्रेडिट दिया गया है। जी हाँ, जावेद अख्तर को आप जानते हैं कि उन्होंने कई हज़ार फिल्मों में काम किया है और गाने और फिल्मों को लिखा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी उनका काम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब खबर सामने ये आ रही है कि जब जावेद अख्तर खुद मना कर रहे हैं कि वे इस फिल्म में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और ना ही उन्होंने कोई काम किया है और ना ही इस फिल्म के मेकर के साथ उनका कोई भी बॉन्ड साइन है, ठीक इसी प्रकार का ट्वीट करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। लेकिन आपको बता दें कि संदीप सिंह ने इस बात का जवाब दिया है। जी हाँ, संदीप सिंह ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के ऑफिशियल म्यूजिक टाइटल टी सीरीज के पास है। तो वहीं बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाना इस्तेमाल किया गया है जो कि टी सीरीज का है, जिसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। जी हाँ, इसी बात का बताते हुए संदीप सिंह ने कहा कि इस कारण हमने जावेद अख्तर को क्रेडिट्स दिए हैं और जावेद अख्तर को बिना किसी बात को जांचे परखे इस तरह ट्वीट नहीं करना चाहिए था और फिल्म के लिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि टी सीरीज ऑफिशियल पार्टनर होने के कारण हमने जावेद अख्तर से कोई भी परमिशन नहीं ली। अब ऐसे में देखता हूँ कि जावेद अख्तर को जब संदीप सिंह ने खुद रिप्लाई किया और जवाब दिया, तो ऐसे में जावेद अख्तर संदीप सिंह को आप किस प्रकार अपना जवाब देते हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।